जसपुर जिले के पथल गांव में महंगी बाइक हथियाने की खातिर एक युवक की उसके ही दोस्तों ने शराब की पार्टी के दौरान गला दबाकर हत्या कर डाली। इकबाल नामक मृतक युवक के अचानक गायब हो जाने के बाद उसके परिजनों ने 17 जुलाई को पथल गांव थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस हत्या की वारदात के बाद दोनों आरोपियों ने लाश को बाइक में बैठाया और मैनपाट के तराई के जंगल में ले जाकर फेंका। हत्या के मामले पर पर्दा डालने के लिए 3 दिन बाद इन आरोपियों ने जंगल में पड़ी लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, लेकिन मृतक की महंगी बाइक से इस जघन्य अपराध का खुलासा हो गया। पुलिस अधीक्षक डी रविशंकर ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद पुलिस की टीम ने सघन खोजबीन शुरू कर दी थी। इसके तहत मृतक की महंगी बाइक का सुराग हाथ लग जाने से हत्या के सभी 10 आरोपियों का खुलासा हो गया। इस जघन्य हत्या के मामले में 6 नाबालिग तथा 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की भी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। थाना पत्थल गांव जिला जशपुर के ग्राम कोलडोड़ी का रहने वाला इकबाल यादव 23 वर्ष का लड़का, जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन था और इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ फोटोग्राफी का भी शौक रखता था और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीता था, सकारात्मक विचार का था। उसके पास में एक अच्छी KTM बाइक भी थी जो उसने पिछले साल ही खरीदा था। उसके कुछ साथी संतोष यादव, विनय भगत, नितिन, ये उसके साथी, इन लोगों को उसके देश से ईर्ष्या होती थी और उन्होंने इस ईर्ष्या के कारण और उस बाइक को उससे हथियाने के लिए एक योजना बनाई। इकबाल यादव 9 तारीख को अपने पेरेंट्स के साथ में रथ यात्रा में गया और रथ यात्रा से उसके पेरेंट्स वापस उसके गांव आ गए और जब 17 तारीख तक वापस नहीं आए तो उसके पिता ने 17 तारीख को थाने में आकर एक शिकायत लिखाई कि उनका बेटा इकबाल अभी तक घर नहीं लौटा है। उसके पिता ने उसके रिश्तेदारों, गांव में तमाम लोगों से पूछने की कोशिश की उसका पता, लेकिन वो कहीं मिला नहीं। पुलिस को सूचना मिलने के बाद में उसके गांव और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ शुरू हुई। 22 तारीख को ये जानकारी आई कि उसकी बाइक को नितिन बखला के साथ में देखा गया, तो उसकी सूचना तत्काल थाने में दी गई और थाने के लोग, थाना प्रभारी मल्लिका, उसकी टीम उस स्थान की ओर रवाना हुई और सबसे पहले नितिन को अपनी कस्टडी में लिया गया, पूछताछ की गई। पूछताछ में नितिन ने बताया कि इन लोगों ने उसके साथियों के साथ में इकबाल को मारने की योजना बनाई थी और उन लोगों ने उसको साथ में बैठ के शराब पिया, उसके शराब में नशे की गोली डाली, बेहोशी की हालत में उसका गला दबाया और गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में कापू के एक जंगल में उसके लाश को फेंक दिया और उनको लगा कि उससे उनकी आइडेंटिटी बाहर आ जाएगी, तो उन्होंने फिर 3 दिन बाद जाकर उस लाश पे मिट्टी तेल डाला, उसको जला दिया। इस सारी सूचना के बाद में SDOP मयंक के नेतृत्व में और थाना प्रभारी मल्लिका के साथ अलग अलग टीम्स बनाई गई। जिन जिन लोगों के नाम इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे उन लोगों की पूछताछ की गई, उन लोगों को जो अप्रहेंड किया गया उनसे जो है वो तस्दीक की गई और पता चला कि इसमें कुल 9 लोग इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे। घटनाक्रम में सिलसिलेवार जसपुर से नितेश कुमार, CG Vision TV।